हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केवीएस कोचिंग पे। और आज मैं क्लास 10 की गणित में प्रश्नावली 2 के बी के आज से जो क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था उसके आगे आज भी पढ़ाऊंगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि लेखा चित्र खींचना है हम लोग को और ये प्रश्नावली 2 का भी है। इसमें 5 नंबर से हम लोग हल करेंगे और 5 में आपको 6 क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मैं इन सभी प्रश्नों को यानी कि समीकरण को एकदम सरल भाषा में आलेख खींचना सिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग 1 नंबर में देख रहे हैं, 1 नंबर में कह रहा है x बराबर 3, तो आप पहले x अक्ष और y अक्ष खींच लीजिए। तो मैंने यहाँ x अक्ष ले लिया, ठीक है, ये x अक्ष में x डैश और ये x, ये ऊपर y और नीचे y डैश करते हैं। ये दोनों x अक्ष और y अक्ष 0 पर काटते हैं और यहाँ हमें पैमाना लगाना है 3 का। तो 3 हम बराबर बराबर दूरी पे हम खींच लेंगे, 1 2 3, यहाँ भी ले लेंगे 1 2 3, 1 2 3, इस तरह चारों तरफ ले लेंगे 1 2 3, 1 2 3 हो गया। इधर माइनस कर लीजिएगा लो, 1 2 3, और नीचे भी आप माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो कह रहे एक्स बराबर 3, तो आपको पता है कि ये एक्स अक्ष है और एक्स बराबर 3 प्लस 3 ये रहा, तो हम लोग वाई के समानांतर एक एक्स अक्ष पे रेखा खींच लेंगे और यही हो गया एक्स बराबर 3, ठीक है, बिल्कुल आसान है, ऐसे ही खींचना है। चलिए अब 2 नंबर को हम लोग खींचते हैं। 2 नंबर में कह रहा है वाई बराबर -2, तो यहाँ भी एक सीधा ऊर्ध्वाधर रेखा ले लीजिए और एक ऐसे क्षैतिज ले लीजिए और यहाँ हमें 2 का पैमाना लेना है, ये दोनों 0 पर कटेंगे, एक्स अक्ष है ये वाई अक्ष, 0 के बाएं आएगा तो -x डैश होगा सॉरी, और ये वाई डैश। तो हमें 2 का पैमाना लेना है, 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2 कर लेंगे, 1 2 और ये माइनस में हो जाएगा, ये 1 और ये 2, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो हमें वाई बराबर -2, तो वाई देखिए वाई यहाँ है और -2 इसके लिए यहाँ, तो इसको हम लोग ऐसे एक्स अक्ष के समानांतर खींच लेंगे, ठीक है। तो आपको x बराबर 3 और y बराबर -2 खींचने आ गया। चलिए तीसरे को हल करते हैं। तीसरे नंबर को देखें, कह रहा है x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो तीसरे में कह रहा है x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा -1 और -1 को लेखा चित्र पे हम लोग को दिखाना है, तो एक हम लोग सीधा रेखा खींच लेंगे और एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे और ये हो जाएगा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये नीचे आएगा तो वाई डैश एक्स डैश और ये दोनों 0 पे काटते हैं, तो एक्स बराबर -1 लेना है। तो हम लोग 1 2 1 2 का पैमाना ले लेते हैं, 1 और 2 का, इधर आएगा तो माइनस होगा, यहाँ भी 1 2 का पैमाना ले लेते हैं, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो आपको x बराबर -1 करना है, तो x देखिए ये x अक्ष है ये, और यहाँ -1 यहाँ है, तो हम लोग y के समानांतर एक रेखा खींच लेंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे, यानी कि x बराबर -1 ऐसे हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये चौदहवें नंबर प्रश्न को, यहाँ कह रहा है y -4 इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग आलेख खींचते हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे, क्षैतिज रेखा को x अक्ष बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर को y, ये दोनों 0 पे काटते हैं और ये नीचे 0 के आएगा तो माइनस में होगा, यानी कि y डैश, और 0 के बाएं जब आइएगा तो x डैश हो जाएगा। 4 की लंबाई लेनी है, तो हम लोग 1 2 3 4, 1 2 3 4 की लंबाई ले लेते हैं, यहाँ भी 4 खींचते हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 खींचते हैं, 1 2 3 4, ये डैश है तो माइनस में होगा, यहाँ भी 4 खींचते हैं,
एक दो तीन चार, ठीक है, माइनस कर दीजिए। अब आपको यहाँ करना क्या है, वाई बराबर चार लेना है, तो ये वाई अक्ष है और यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार, यहाँ चार है, तो हम लोग एक इस रेखा के समानांतर यहाँ पर एक रेखा खींच देंगे, यानी कि यह हो जाएगा ऐसे, ठीक है, यानी कि y बराबर चार ऐसे खींचाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये पांचवें नंबर प्रश्न को देखेंगे, ठीक है, अब हम लोग पांच के पांचवें नंबर को देखेंगे, कट है 2x बराबर 3, यानी कि 2x बराबर 3 है, इसका मतलब हो गया कि x बराबर 3 बटे 2, और 3 में 2 से जब भाग लगाइए नतीजा हो जाता है 1.5, तो हम लोग इसको खींचते हैं, ये ऊर्ध्वाधर y अक्ष हो गया, एक x अक्ष ले लेते हैं, ये x अक्ष हो गया, ये y, ये x नीचे आएंगे तो y डैश, ये x डैश, ये जीरो पे एक दूसरे को काटेंगे, हमें 1.5 लेना है, यानी कि 2 का पैमाना ले तो काम हो जाएगा, ये 1, ये 2, यहाँ 1, ये 2 हो गया, ये 1, ये 2, यहाँ 1, ये 2, ठीक है, ये माइनस में होता है। अब हमें x को प्लस में 1.5 लेना है, तो 1 और आधा, यानी कि 1 और आधा यहाँ होगा, और इसी के समानांतर आप y अक्ष के समानांतर रेखा खींच दीजिए, और यही हो गया x बराबर 3/2। चलिए छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं, छठा नंबर में कह रहा है 3y+1=0, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, -1, तो y बराबर -1/3, अगर हम लोग 1 में 3 से भाग लगाएं तो -0.333 ऐसे समथिंग आ जाएगा, तो इसको हम वाले पे खींचते हैं, तो ये 2 अक्ष ले लेंगे और ये 0 पे काटेगा, इसे x अक्ष कहेंगे, इसे y अक्ष, ये y डैश, ये x डैश, और हमें 0.3 का पैमाना लेना है, तो 2 तक अधिकतम ले लेते हैं, 1, 2, ये माइनस में हो जाएगा, 1, 2, ये भी माइनस में, तो यहाँ पर देखिए y का मान जो है ना माइनस में है 1/3, मैंने भाग लगाए तो 0.33 आया, तो इसका मतलब हुआ कि 0 से लेकर 10 के बीच में ये अंक होगा, अगर यहाँ पैमाने थी खींच करें तो यहाँ 10 तक एक चेन खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो यहाँ से हम लोग 0 से 3 गिनेंगे, 1, 2, 3, 3 के बाद थोड़ी सी अगर बढ़ा दिया जाए, यानी ऐसे कर दिया जाए, तो यही हो जाएगा 0.33। आप लोग इसे स्केल से खींचेंगे ना तो गलत नहीं होगा, आराम से सटीक खींचाएगा, और चूंकि ये जो भी आलेख होता है ना ये ग्राफ कॉपी पे खींचा जाता है, तो आप लोग ग्राफ कॉपी पर इसे इस ढंग से खींच सकते हैं, मैं तो यहाँ रफ करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे खींचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब हम लोग छठे नंबर प्रश्न को देखेंगे, जहाँ पे 2 चर वाला आ गया है, तो वाई में एक्स जोड़ते हैं तो 0 आता है, तो वाई में एक्स जोड़ेंगे, अगर मैं एक में कहूँ कि कितना जोड़ा जाए, एक में कितना जोड़ा जाए कि 0 आएगा, तो एक में यानी जो भी संख्या में उसका ऋणात्मक जोड़ेंगे ना तो 0 आएगा, यानी कि अगर एक में हम लोग -1 जोड़े तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो इस तरह से हम लोग एक नंबर को अगर हल करें तो वाई इज इक्वल टू एक्स को बराबर किस लाएंगे तो -x, और इस तरह से अगर हम लोग हल निकालें तो अगर एक्स बराबर 1 रखें +1 तो वाई बराबर क्या हो जाएगा -1, ठीक, अगर x बराबर हम लोग 2 रखें 2 तो y बराबर -2, अगर x बराबर 3 रखें तो y बराबर -3, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको आलेख पर देखेंगे। चलिए x अक्ष और y अक्ष ले लेते हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष, इसे हम लोग y डैश कहेंगे, x डैश कहेंगे, ये 0 पे कटता है, तो हम लोग 3 तक का पैमाना ले लेते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक, यहाँ भी 3 तक पैमाना ले लेते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी कि चारों रेखाखंड पे हम लोग 3 तक ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि x का मान 1, y का मान -1,
तो x का मान 1 है, y का मान माइनस 1, ये माइनस में होता है, ये दोनों कहाँ कटेंगे, यहीं ना कटेंगे। आप लोग इसे ग्राफ की कॉपी पे देखेंगे तो इसे बिंदु निर्धारित करने में दिक्कत नहीं होगा, आप लोग यहाँ समझ लीजिए और इसको हूबहू ग्राफ की कॉपी पे खींचिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद करें x बराबर 2 और y बराबर माइनस 2, तो दोनों अगर ऐसे बढ़ाया जाए तो ये दोनों एक दूसरे के सामने पॉइंट निर्धारित करेंगे, ठीक है। उसके बाद x बराबर 3 ये और y बराबर माइनस 3, तो लगभग ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। और इन तीनों को मिलाएं तो इससे गुजरेगा, देखिए इसको ऊपर तक बढ़ा देंगे और तीर का निशान दे देंगे। आप लोग स्केल से खींचेंगे तो ये टेढ़ा नजर नहीं आएगा, यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ सीधा खींचने का। ये हो गया 2 माइनस 2, जहाँ बिंदु लगाए थे उसका मान भी लिख दीजिए और एक जगह समीकरण लिख दीजिए, यानी कि y प्लस x बराबर 0। मैंने 6 के एक नंबर को ऐसे हल किया और आप लोग इसी तरफ दोहरा कर सीखेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो दूसरे नंबर में कह रहा है 2x बराबर y, यानी y का x जो है ना, y जो है ना x का दुगुना, y जो है x का दुगुना है। अगर हम लोग मान ले, माना कि x बराबर 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2×1 बराबर y, यानी कि 2y, यानी कि x 1 तो y 2। तो इस तरह से हम लोग आराम से लिख सकते हैं, x 2 तो y 4, x 3 तो y 6, ऐसे ही नाम आएगा। चलिए आगे खींचते हैं, तो दो रेखा ले लेंगे, एक ऊर्ध्वाधर ले लेंगे, एक क्षैतिज ले लेंगे, और इसे हम लोग x अक्ष कहेंगे, इसे y, ये y डैश और ये x डैश, ये दोनों जीरो पे कटेंगे और हमें लंबाई 6 तक का लेना है, तो 2 का पैमाने लेते हैं, 1 2 3, यानी कि 2 4 6, यहाँ भी वैसे ही कीजिए, 2 4 6, ये माइनस हो जाएगा, ये 2 4 6 2 4 6, यहाँ भी 2 4 6 हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया, ठीक है। तो पहला कह रहा है x1 तो y2, x1 यहाँ देखिए ये 0 है और 1 0 और 2 के बीच में 1 होगा, और y2 यानी कि यहाँ इसके सामने हम लोग आकर यहाँ पॉइंट लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे x2 y4, x2 ये रहा y4, तो इसको सीधे ऊपर आएंगे तो 4 के सामने बिंदु लगाएंगे। उसके बाद x3 यहाँ होगा y 6, तो ऊपर आप चलेंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग जो भी मान रखे हैं तो उसका दुगुना आने वाला है, तो यानी कि अगर हम लोग x 0 रखते हैं तो y भी 0 होता, तो ये यहाँ से ऐसे गुजरेगा, ठीक है। और जो बिंदु आपने लगाया इसको लिख दीजिए, 3 6, और ये हो जाएगा 2 4, और ये हो जाएगा 1 2, ठीक है। और इस पर एक जगह समीकरण लिख दीजिए, क्या था, 2x बराबर y। इस तरह से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अब हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर दे रहा है कि y-x = 0, तो y को इधर रखें और x को बराबर की सेट भेजेंगे तो +x, यानी कि y जितना होगा उतना ही x होगा, यानी कि y x के बराबर है। तो हम लोग जब भी x का मान निर्धारित करें, अगर 1 कहेंगे x बराबर, तो y बराबर ही 1 होगा, x बराबर 2 तो y भी 2, x बराबर 3 तो y भी 3 होगा। बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होंगे कि y जो है x के बराबर है, तो जितना x होगा उतना ही y होगा, ठीक है। इसको हम लोग आलेख पर देखते हैं कैसा होगा, तो दो अक्ष खींच लेंगे, एक का नाम होता है x अक्ष, एक y अक्ष, नीचे आएंगे तो y डैश और इधर आएंगे तो x डैश होता है, ये दोनों जीरो पे कटते हैं। अब हम लोग इसे निर्धारित करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 1 2 3 4
इधर भी लिखते हैं एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये माइनस में होता है, इधर हो जाएगा एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये माइनस में कर देते हैं। अब आपको लेना है एक्स वन तो वाई वन, एक्स वन तो वाई वन, दोनों कहाँ कटेंगे, यहाँ कटेंगे, एक्स टू तो वाई टू, एक्स टू तो वाई टू यहाँ होगा, एक्स थ्री तो वाई थ्री, तो यहाँ सुपर बढ़िया, और थ्री के सामने से पॉइंट लगाइए, ये थ्री यहाँ आएगा, ये से तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों को मिलाते हुए आप आगे जा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पॉइंट लगाए उसका मान भी लिख दीजिए, थ्री थ्री, यहाँ था दो दो, और ये एक एक, और जहाँ भी जगह मिले आप एक समीकरण जो है वो लिख दीजिए, यानी कि वाई माइनस एक्स बराबर जीरो, और इस तरह से ये क्या हुआ, आलेख आपका बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग सातवें नंबर प्रश्न के लिए हल करेंगे। कह रहा है कि थ्री एक्स प्लस टू है, टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर छः, पहला है, दूसरा, तीसरा, इसलिए यानी कि सात में चार गो प्रश्न है, चारों को हम लोग लिख आलेख पर हल करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले एक नंबर को हल करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर छ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या टू एक्स बराबर छ माइनस थ्री वाई, या एक्स बराबर छ माइनस तीन वाई बटे दो, ठीक है। अब हम लोग वाई का मान मानेंगे तो एक्स का मान प्राप्त होगा, तो मानते हैं, माना कि वाई बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, छ माइनस तीन गुने जीरो बटे दो, यानी कि छ बटे दो यानी कि तीन, तो एक्स तीन तो वाई जीरो, ठीक है। फिर मानेंगे वाई का मान, माना कि वाई बराबर, अब की बार मान लेते हैं तीन, मान लेते हैं वाई बराबर तीन, तो एक्स बराबर हो जाएगा छ माइनस तीन गुने तीन, तीन नहीं दो मानते हैं, यानी यहाँ दो लिखते हैं, ठीक है, दो मानते हैं, तो ये हो जाएगा तीन गुने दो बटे दो, यानी कि एक्स बराबर छ माइनस तीन गुने छ बटे दो, यानी कि छ में छ के क्या बचेगा, जीरो बटे दो, यानी कि जीरो, यानी एक्स जीरो तो वाई, एक्स जीरो तो वाई तीन, ठीक है। दो ही हल निकाल लिए, इसके बाद इसका आलेख हम लोग खींचते हैं। तो आप यहाँ समीकरण के अनुसार पहले एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष निर्धारित कर लीजिए, ये जीरो हो गया, तीन तक हम लोग को देखना है, एक दो तीन तक ले लेते हैं, इसके बाद एक दो तीन, एक दो तीन हो गया, इधर भी तीन तक खींच लेते हैं, एक दो तीन, इधर भी एक दो तीन, ये माइनस में होता है, ये भी माइनस में होता है, तो इसको आप नाम लिख दीजिए एक्स अक्ष वाई अक्ष एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो पहला कर रहे तीन जीरो, एक्स का मान तीन वाई का मान जीरो, एक्स का मान तीन वाई का मान जीरो, तो ये क्या होगा, अक्षे पे होता है, देखो जी एक्स तीन और वाई जीरो का मान इसी लाइन पे होता है, ठीक है। अगर एक्स अक्ष वाई अक्ष पे कहा जाए तो यहाँ एक्स का मान जीरो होता है और इस पे वाई का मान जीरो होता है। दूसरा कह रहे एक्स जीरो वाई तीन, एक्स जीरो वाई तीन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब स्केल के सारे दोनों बिंदु को मिला देंगे, तो चलिए यहाँ मिला दिए, इसको आगे तक बढ़ा दीजिए, इसे भी आगे तक बढ़ा दीजिए, और ये जो बिंदु लगाए थे इसको लिख भी दीजिए, यहाँ था तीन जीरो, और उसके बाद जहाँ जगह दिखे वहाँ समीकरण को नोट कर दीजिए, यानी कि टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर जीरो नहीं छः। तो इस तरह से हम लोग पहले को हल कर लिए, अब दूसरे को हल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सात के दूसरे नंबर प्रश्न को, कह रहा है दो नंबर में कि एक्स माइनस टू वाई बराबर फोर, ये वाला प्रश्न हम हल कर रहे हैं, यानी कि एक्स को इधर रखें, टू वाई को बराबर की साइड भेजें, तो चार की तरफ अगर ये प्लस टू वाई होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ वाई का मान मानेंगे और एक्स का मान निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप मानिए, माना कि वाई बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, चार प्लस दो, अब वाई की जगह पे क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, ये यानी कि एक्स बराबर क्या आ गया, चार आ गया। तो इस तरह से ये खल हमें प्राप्त हुआ, चार और वाई जीरो। अब मानते हैं, माना
कि y बराबर माइनस वन मान लीजिए, ठीक है, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा चार प्लस दू गुणे माइनस वन, यानी कि x बराबर हो जाएगा चार, अब दो में एक से करेंगे तो माइनस दो, यानी कि दो आएगा, दूसरा हो जाएगा दो माइनस वन। इस बार हम मान लेते हैं, माना कि y बराबर माइनस टू, तो x बराबर क्या हो जाएगा चार प्लस दो गुणे माइनस दो, यानी कि चार माइनस चार, यानी कि जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस टू। तो इस तरह से हम लोगों ने तीन हल निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, x अक्ष और y अक्ष को खींचेंगे। चलिए, तो ये हो गया ये y अक्ष और ये हो गया x अक्ष, ठीक है। तो यहाँ नामकरण कर दीजिए और हम लोग देखेंगे, तो हम लोग के हल में सबसे बड़ा अंक चार है, तो चार का पैमाना लेते हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यहाँ भी लेंगे एक दो तीन चार, ठीक है, तो यहाँ भी लिख लेते हैं एक दो तीन चार, यहाँ लिखते हैं एक दो तीन चार, ये माइनस में होता है, ये भी माइनस में कर दीजिए। अब देखिए, पहला हल है चार जीरो, एक्स बराबर चार, वाई बराबर जीरो, तो एक्स का मतलब ये चार और वाई जीरो, तो ये तो एक्स ही अक्ष होगा। दूसरा कह रहा है एक्स टू वाई माइनस वन, एक्स टू और वाई माइनस वन, ये तो ये ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे आएगा, तो पॉइंट यहाँ लगेगा, फिर एक्स जीरो वाई माइनस टू, एक्स जीरो और वाई माइनस टू, तो ये तो यही पे होगा। उसके बाद तीन हल हो गया, हम इन तीनों को मिलाएंगे, ठीक है, तीनों को मिलाइए और इसको आगे तक बढ़ा दीजिए, इसलिए आगे तक बढ़ाइए, यहाँ हल लिख दीजिए चार जीरो, ये था दो माइनस वन और ये था जीरो माइनस टू, और इस पर हम लोग समीकरण को नोट कर देंगे, ये क्या है एक्स माइनस टू वाई बराबर चार। तो देख लीजिए ना, इस तरह से हम लोग दूसरे को हल कर दिया अलग पर, अब तीसरे को हल करेंगे, तीसरे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा नंबर ये प्रश्न है कि एक्स थ्री एक्स प्लस टू वाई बराबर फोर, तो यहाँ ले लेते हैं तीसरे नंबर को, ये थ्री एक्स प्लस टू वाई बराबर फोर, तो या हम लोग लिख सकते हैं थ्री एक्स बराबर फोर की तरफ टू वाई को भेजेंगे तो माइनस टू वाई, या एक्स बराबर फोर माइनस टू वाई बट्टे तीन। अब हम लोग यहाँ पर एक्स का वैल्यू वाई का मानेंगे, माना कि वाई इजिकल टू क्या मानेंगे हम लोग की पूर्ण संख्या में आंसर आए, तो यहाँ पर अगर जीरो मानेंगे तो बट्टा होगा दो मानते हैं, वाई बराबर टू, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर चार माइनस दो गुणे दो बट्टे तीन, यानी कि ये हो जाएगा चार माइनस चार बट्टे तीन, यानी कि यहाँ क्या बचेगा जीरो बट्टे तीन, यानी कि जीरो, यानी एक्स जीरो तो वाई टू आ गया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर अब माने एक मानते हैं तो नहीं होगा, दो चार पाँच मानते हैं, पाँच माना कि वाई बराबर पाँच, तो इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा चार माइनस दो गुणे पाँच बट्टे तीन, यानी कि चार माइनस दस बट्टे तीन, यानी कि माइनस छः बट्टे तीन, तो कटेगा तो माइनस दो, यानी दूसरे का हल हो जाएगा माइनस दो पाँच। चलिए, दो ही हल पे हम वाले खींचते हैं, तो ये एक्स वाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष हो गया, दोनों जीरो पे कटेगा, मान बैठाएंगे हम लोग एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ये एक्स अक्ष हो गया, यहाँ एक दो तीन चार पाँच, यहाँ भी मान बैठा देते हैं, यहाँ भी मान रख दीजिए पाँच तक, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, यहाँ भी मान रखते हैं एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। और ये पहला हल है जीरो टू, एक्स का मान जीरो वाई का मान टू, तो ये तो वाई अक्ष पे होगा या यहाँ होगा। उसके बाद दूसरा है एक्स माइनस टू वाई पाँच, एक्स माइनस टू वाई पाँच ऊपर की तरफ बढ़े तो ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। और स्केल के सहारे इसको मिलाते हैं और इसको आगे तक बढ़ा दिया जाए,
और इसको भी आगे बढ़ा दिया जाए तो यहाँ था -2.5 और यहाँ था 0.2। तो इस तरह से ये हल निकल गया। अब इस समीकरण को भी लिख दिया जाए 3x + 2y = 4। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए इस तरह से हम लोग तीसरे प्रश्न को हल कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए देखते हैं, हम लोग देखेंगे चौथे नंबर प्रश्न को, यानी इसको। तो ये चौथे नंबर प्रश्न में कि x = 3 × y - 1, तो हम लोग मानेंगे y का मान, माना कि y = 0 मान लेते हैं। तो x = क्या हो जाएगा, 3 × 0 - 1 यानी कि 3 × -1, तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का आया -3 0। अब मानते हैं, माना कि y = 1 मान लेते हैं, तो x = हो जाएगा 3 × 1 - 1 यानी कि 3 × 0 यानी कि 0। x का मान क्या आ गया, 0। तो दूसरे का हो गया 0 1। तीसरा के लिए मान लेते हैं, माना कि y = 2 मान लेते हैं, 2। तो x = हो जाएगा 3 × 2 - 1। ठीक है, तो यानी कि 3 × 2 में से 1 गया, एक यानी कि 3 ही आएगा, ये हो जाएगा 3 2। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 हल निकाल लिया। अब हम लोग इस चतुर्थांश लेंगे, यानी कि ए वाई अक्ष और एक्स अक्ष खींच लेंगे, और हम लोग का सबसे बड़ा मान 3 है, तो 3 तक पैमाना लेंगे, 1 2 3 1 2 3। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, और ये 0 पकड़ते हैं, तो 3 3 का पैमाना ले रहे हैं हम लोग, 1 2 3। यहाँ भी 3 तक खींच देंगे, 1 2 3, ये माइनस माइनस, यहाँ होगा 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का मान है -3 और y का 0, x का 3, यानी कि इस हल को हम लोग को चतुर्थांश पे रखना है, आलेख पर रखना है। तो ये -3 और ये 0, तो x -3 यहाँ और y 0 इसी पर होगा। दूसरा कड़े x0 y1, तो यहाँ हो जाएगा, उसके बाद x3 y2, तो लगभग इसके सामने यहाँ आएगा। तो इन दोनों को हम लोग आगे, इन तीनों को एक दूसरे से मिलाएंगे, ठीक है, और आगे तक बढ़ा देंगे इसे भी, और जो हल आया है उसको लिखेंगे। यहाँ 3, ये था 0 1 और ये था 3 2। ठीक है, इस तरह से हल बिंदु पर रख दिया गया, और इसको रख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं x = 3 × y - 1। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, चौथे प्रश्न को हल कर लिए, और आप लोग को अब समझ में आने लगा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे, चलिए देखते हैं। अब हम लोग आठवें नंबर प्रश्न को देखेंगे, कड़े समीकरण 2x + y - 3 = 0 का आलेख खींचे, और आलेख अक्षों को जिन बिंदुओं पर काटता है उन्हें दिखाए, यानी कि हम लोग को इस समीकरण से आलेख खींच देना है, और एक्स अक्ष वाई अक्ष को जहाँ भी वो काटता है उसको हमें लिख देना है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। यहाँ पर समीकरण ले लेते हैं, सबसे पहले समीकरण है 2x + y - 3 = 0, या हम लोग लिख सकते हैं 2x + y, 3 को इधर भेजेंगे तो +3 हो जाएगा, या y को इधर रखते हैं तो 3 के तरफ x जाएगा तो -2x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग x का मान मानेंगे तो y का मान निकलेगा, तो चलिए मानते हैं, माना कि x = 0, तो हो जाएगा y = 3 - 2 × 0 यानी y = क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। फिर हम मानते हैं, माना कि x = 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो y = हो जाएगा 3 - 2 × 1 यानी कि 3 - 2 = क्या आ जाएगा, 1। तो 1 1 यहाँ हल हो गया, यहाँ पर हम लोग का हल प्राप्त हुआ था 0 3। एक और हल निकाल लेते हैं, माना कि y = 2, तो x = हो जाएगा 3 - 2 × 2 यानी कि 3 - 4 = -1, यहाँ हल आ गया -1 और y = 2। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ एक से माना, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, ये एक्स होगा और ये क्या होगा वाई। ठीक है, तो वाई का मान पहले हम लोग को लिखना नहीं है, पहले एक्स का मान लिखना, तो यहाँ हो जाएगा 2-1। ठीक है, इसे ठीक कर लीजिए लोग। उसके बाद यहाँ पर वाई 3, ये ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए आलेख खींचते हैं। तो अब हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे, तो ये वाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष। ठीक है, ये दोनों जीरो पर काटते हैं। सबसे बड़ा अंक क्या है, 3 है, तो 3 का पैमाना लेते हैं, 1, 2, 3। यहाँ भी 1, 2, 3, 1, 2, 3 हो गए। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये 1, 2, 3। इधर भी हम लोग 1, 2, 3 खींच लेंगे, ये माइनस में हो जाएगा। इधर भी 1, 2, 3, 1, 2, 3 हो गए, ये माइनस में हो जाएगा। ये वाई डैश है और ये एक्स डैश है। ठीक है, तो पहला वाले 0, 3, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा कट है x1, y1, ये दोनों यही कटेंगे, तो यहाँ हो जाएगा। तीसरा कट है x2, y-1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इन तीनों को हम लोग मिला देंगे और आगे तक बढ़ा देंगे। यहाँ क्या होता 2-1, यहाँ था 1-1 और यहाँ था 0-3। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस समीकरण का हल आलेख पर निकाल दिया। और कड़ा है कि यहाँ पे का आलेख अक्षों को जिन बिंदुओं पर काटता है, तो देखिए एक यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर काट रहा है, तो एक यहाँ पर, उसके लिए हल हो जाएगा आलेख आलेख अक्ष पर कटान बिंदु एक, तो ये हो जाएगा पहला 0-3 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स, तो 0 बोले वाई तो 0 होगा, एक्स 1.5, यानी कि हम लोग बट्टा में भी लिख सकते हैं 1/2 0 या 1.5, यानी कि ये दो आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज 8 तक प्रश्नों को हल किए और आज की क्लास में इतना ही होगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे हल करेंगे। तो आज के क्लास यही समाप्त होता है, धन्यवाद, देख लीजिए।